कोसी उपचुनाव में मतदान का समय जैसे जैसे करीब आ रहा है, चुनावी माहौल देखते ही बन रहा है। इस समय घोसी में चुनावी माहौल अपनी पराकाष्ठा पर है और इस समय हम घोसी के मदापुर छावनी में हैं और आप देखिए कि चाय की चुस्कियां चल रही हैं। और चुनाव में जब चाय शामिल हो जाए तो वहां तो लोगों की राय लेनी बनती है। और न्यूज स्टेट की टीम पहुंची है घोसी ये जानने के लिए कि फिलहाल क्या माहौल है। डॉक्टर शाहनवाज हमारे साथ हैं और तमाम लोग इनके साथ बैठकर चाय पी रहे हैं। डॉक्टर साहब, दारा सिंह चौहान की एक बड़ी उम्मीद है, आप चुनाव किस दिशा में जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जा रहा है। कैसे? क्योंकि यहाँ तो माहौल ऐसा बना हुआ है कि अंदरूनी बनाम बाहरी का मामला। भारतीय जनता पार्टी भी एक ताकतवर पार्टी है, इससे पहले भी चुनाव लड़ी थी, कुछ ही वोटों से हारी है। क्योंकि दारा सिंह बहुत सेकुलर दिमाग के आदमी हैं, इनको पाकर तमाम मुसलमान जो इनके साथ जुड़ गया है, तो जितने भी मुसलमान वोट इनको मिलेगा वो सब भी सपा का वोट कम हो जाएगा। 80,000 से ज्यादा अल्पसंख्यक समाज के लोग यहाँ मतदाता हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनका रुख अभी क्या दिख रहा है? मुस्लिम समाज जो है इसमें ज्यादा पसमानदा समाज है, वो आधे से ज्यादा हमारे साथ है। आप यहाँ से लेकर करीमुद्दीनपुर से लेकर पूरा घाट देते हुए अदरी जाएंगे तो सारे के सारे लोग जो हैं पसमानदा लोग जो हैं विकास के रास्ते पर चलने के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट डालना चाहते हैं। जो उम्मीदवार समाजवादी पार्टी का लड़ रहा है वो कभी समाजवादी रहा ही नहीं, इसलिए ये भी एक रिएक्शन है। हमेशा समाजवादी पार्टी के लोगों को हराने का काम किया, ये भी एक रिएक्शन है। वो कभी सपाई रहा है नहीं, वो व्यक्तिगतवादी है, इसके अलावा लोग कुछ जानते नहीं उसको। डॉक्टर साहब तो कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज बीजेपी को वोट देगा, लेकिन ये गले के नीचे उतरने वाली बात लगती है आपको? हाँ, काफी इस बार जो है दारा सिंह चौहान चूंकि सेकुलर आदमी हैं और 25 साल से घोसी के लोगों के बीच में रहे हैं, इसलिए घोसी के मुसलमान इनको काफी परसेंटेज में वोट कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि 50% वोट मुस्लिम का और 90% जो है दलित वोट समाजवाद दारा सिंह चौहान को मिल जाएगा। सुधाकर सिंह तो यहाँ के लोकल आदमी है, कह रहे हैं कि आजमगढ़ के आदमी पर लोगों को भरोसा नहीं करना चाहिए, क्या कहेंगे? 2022 में तो वही प्रत्याशी थे समाजवादी पार्टी से, तो क्या वो लोकल बारी नहीं थे उस समय? आज बारी हो गए। अजीत सिंह पैदाइश हुई थी दोनों लोगों की, तो आजमगढ़ जिला था, दोनों आजमगढ़ जिले के हैं। अखिलेश यादव आते हैं आज चुनाव कहाँ से लड़ते हैं? आजमगढ़ से, तो वो बारी नहीं होते हैं, आज ये बारी हो गए हैं। लोग कहते हैं बारी बारी बारी, कुछ नहीं है। दारा सिंह चौहान 50,000 से वोट से चुनाव जीत रहे हैं। दलित समाज और मुसलमान बहुत तेजी से जुड़ रहा है उनके साथ। अब दलित समाज तो हमको लग रहा है कि 90% वोट इस समय कर रहा है, क्योंकि हम लोग भी मीटिंग कर रहे हैं, चमलौटी जाके मीटिंग कर रहे हैं। सारे दलित समाज कह रहे हैं कि इनको वोट कैसे किया जाए। बताइए, हमारे 3 लोगों का जिम्मेदार है वो हत्या का, मैं कैसे वोट कर दूं? आप बताइए, कोई वोट नहीं करेगा यहाँ। इनको सिर्फ ये हवे में रह जाएंगे, अभी जिस दिन बक्सा खुलेगा उस दिन उनको समझ में आ जाए। क्या लग रहा भैया, किधर जा रहा चुनाव? चुनाव सीधे दारा सिंह के पक्ष में जा रहा, लेकिन दारा सिंह यहाँ 200 साल से रहे हैं और अब तो यही के रहने वाले हैं, मऊ में घर बना लिए, सब कुछ है। ये बाहरी ओरी की हवा यहाँ नहीं चलेगी, उस बार भी चल रही थी बाहरी हवा, लेकिन कोई काम नहीं की है। बाहरी तो ये है सुधाकर सिंह है, जब कोई जनता का काम नहीं इनसे होगा, अपने टिकट पाएंगे समाजवादी हो जाएंगे, दूसरा पाएगा तो विरोधी हो जाएंगे है? कभी बता दीजिए आज तक, चाहे अजमल नूरानी लड़े हों, चाहे अरशद जमाल लड़े हों, चाहे क्या नाम है राजू राय लड़े हों, चाहे हमारे जुल्फिकार साहब लड़े हों, सबको अभी 4 दिन का मामला यही पाए थे साइकिल से टिकट हम लोग जाके दिलवाए कैसे कैसे टिकट, इनको धोखा दे दिया, 80,000 रुपया लेके दूसरे की सपोर्ट करा दिया। चलिए, तो लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल आपसे है, मुख्तार अंसारी का जो परिवार है मऊ घोसी में, उनका अपना एक इम्पैक्ट रहा है, इस चुनाव में मुख्तार अंसारी परिवार का कितना इम्पैक्ट रहने वाला है, आप क्या सोचते हैं? भाई देखिए, मुख्तार अंसारी का परिवार है और था, इस वक्त जो है एक लोग अपना, हर आदमी चाहता है कि मेरे पास एक ताकतवर लोग हों जिसमें विकास करें। उनकी ताकत विकास की नहीं थी, उनकी ताकत जो है जो थी वो आप लोग जानते हैं, वो ताकत बिखर गई है, दबंगई बिखर गई है, तो लोग जो है विकास के रास्ता जाना चाहते हैं। क्या कहेंगे चुनाव को लेकर? क्या रहा है चुनाव को लेकर? के चुनाव बिल्कुल सभा पे चल रहा है
और जो है दारा सिंह चौहान की आधी है। अब वो आधी की वजह यह है कि दारा सिंह चौहान जो है एक सेकुलर आदमी है और वो भारतीय जनता पार्टी से इस वक्त आए हुए हैं, उसके पहले समाजवादी से लड़े हुए हैं और समाजवादी में उन्होंने 1,08,000 वोट जो है इसी पसमादा समाज का वोट लेकर के वो आए हैं और पसमादा समाज जो है वोट इसी वजह से कर रहा है भारतीय जनता पार्टी को कि 5 किलो गेहूं जो है जो पसमादा समाज है वो सबसे गरीब बुनकर समाज जो सबसे गरीब सबसे निचले तबके का है उसे मकान जो है यहाँ बहुत ज़्यादा इस सरकार ने मुसलमानों के पसमादा समाज को दिया है और जो है जो 5 किलो गेहूं है ये सारी सुविधाएं जो है उसके लिए एक जो है बेहतरीन सुविधा मिली हुई है। इस चीज़ को देखते हुए बुनकर समाज जो है उनको दारा सिंह चौहान को जो वोट कर रहा है। क्या लग रहा भैया, वाकई एक तरफा चुनाव है कि कुछ है लड़ाई? मैं बदराला मंसारी मजापुर समसुम का रहने वाला हूँ। इंशाल्लाह हम लोग जीत रहे हैं। पहली बात तो ये है हमारे मंत्री जी जो इस्तीफा दिए सफा से बहुत अच्छा किए हैं, बहुत अच्छा। विधायक रह के कुछ नहीं कर पाएंगे, यहाँ से विधायक जीतेंगे मंत्री बनेंगे तो घोसी का विकास होगा। मधुबन में देखिए कितना विकास किया मंत्री थे। तो आप रहिए बुनकर की बात, आप देखिए हम मदापुर में अखिलेश की सरकार थी, हम लोग 5 घंटा लाइट पाते थे रोड पे, हम लोग बिना डोला डोला के दिन रात का। अभी क्या स्थिति? 24 घंटा लाइट मिल रही है हम लोग को, अनाज खाने को मिल रहा है और जो भाजपा के करी आते हैं वही राशन में पहले लाइन लगाते हैं। ठीक बात है। तो आप ही नासिर जो है, आप ही नासिर, यही आप ही नासिर ने 45 समाज से बोलिए कस्बे में लगाया है, जनता को पीने के लिए पानी ये दिया है, इनके साथ धोखा दिए हैं ये। ठीक बात है। तो लोगों की हम राय रख रहे हैं और आपकी क्या राय है, चुनाव किधर जा रहा है? चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहा है, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं दारा सिंह चौहान और दारा सिंह चौहान आज से नहीं एक सदियों से हम लोगों के बीच आके बैठते रहे। आज मुस्लिम कौम एक तरफा जो जा रही है, डॉक्टर शाहनवाज एक गरीबों के मसीहा हैं, बुनकर के रहबर हैं और उन गरीबों के मसीहा हैं डॉक्टर शाहनवाज कि अगर 12 बजे रात को ज़रूरत पड़ी है तो उन्होंने किसी पार्टी का मुंह नहीं देखा है बल्कि उनको हॉस्पिटल तक ले जाने का काम किया है, अपने टेट से दवा कराया है, इलाज कराया है। और भारतीय जनता पार्टी अगर आज बुरी है तो कल 5 किलो राशन मिलता था तो बुरा क्यों नहीं था, कल 500 रुपया बैंकों में मिलता था तो बुरा क्यों नहीं था, जब हर जगह भारतीय जनता पार्टी से समर्थन मिलता था, हर चीज का सुविधा मिलता था तो भारतीय जनता पार्टी बुरा नहीं थी। आज भारतीय जनता पार्टी को बुरा कहने वालों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप सिर्फ ये बताओ कि आज डॉक्टर शाहनवाज यहाँ के 55% मुसलमानों का वोट साथ में लेकर उमड़ते हुए सैलाब की तरह चल रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि 55 नहीं बल्कि मैं तो यूं कहता हूं कि 4 तारीख आते आते 70% मुसलमानों का वोट डॉक्टर शाहनवाज अपनी मुट्ठी में बंद करके डलवाएंगे। क्या लग रहा है ये जो बात हो रही है, अल्पसंख्यक समाज के लोग बीजेपी से जुड़ रहे हैं, ये बड़ी बड़ी मुश्किल हो रही है ये बात मानने में? भाई मुश्किल कोई नहीं है, इसलिए कि डॉक्टर शाहनवाज ये फील्ड में काम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैसे दारा सिंह चौहान पक्ष नहीं रखते हैं, भेदभाव नहीं रखते, एक नज़र से देखते हुए वैसे ही डॉक्टर शाहनवाज जो है गांव-गांव जाके गरीबों का जो मदद करते हैं, आधी रात को कोई आवाज़ देता तो उसके लिए खड़े रहते हैं। इसके लिए हम लोग सब घोसी की जनता जो है, घोसी विधानसभा जनता जो है, डॉक्टर शाहनवाज और दारा सिंह को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी में सभी लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ रहे हैं, दारा सिंह को ज्यादा से ज्यादा वोट से जिताने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। आज क्या कह रहे हैं, किधर जा रहा है चुनाव? चुनाव तो इस वक्त बीजेपी के पक्ष में जा रहा है जी। ये जो स्थानीय बनाम बाहरी का कोई मुद्दा है कि नहीं? नहीं नहीं, इसका कोई मुद्दा नहीं, इसके पहले भी 2022 में भी था यही मामला, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क नहीं पड़ने वाला क्यों भाई साहब, क्या कहेंगे, क्या आपकी क्या राय है? मेरी राय तो ये है, पहले तो आपके सवालों का जवाब मैं देना चाहता हूँ। जो आपने अभी पूछा कि मुसलमान जो है भाजपा से जुड़ रहा है, आखिर क्यों जुड़ रहा है, ये माइंड में आपको क्यों बसा हुआ है, आप ही बता सकते हैं क्यों बसा हुआ है। इसलिए बसा हुआ है कि हम लोगों को शुरू से ही एक पार्टी का मानकर चला गया है और ऐसा माहौल बनाया गया है कि मुसलमान सिर्फ एक पार्टी का ही जो है वोटर रहा है
और माहौल इस तरह से बनाया गया, इसीलिए आप मीडिया के होके आप ये सवाल पूछ रहे हैं। क्यों नहीं दे सकता मुसलमान क्यों नहीं दे सकता भाई? वो क्या हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं? और अगर बुरे के साथ बुरा कर रहे हैं तो ये मेरे इस्लाम में भी है। अल्लाह भी कहता है कि आप गलत ना करो, मेरे हम चोरी ना करो, बेईमानी ना करो, और अगर हम करते हैं चोरी बेईमानी तो इसकी तो सजा होनी ही चाहिए ना भाई। घोसी उपचुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है पसमांदा मुसलमानों की, उनका क्या रुख होगा? क्योंकि करीब 85,000 जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनमें करीब 70% पसमांदा समाज से आते हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश साहब हैं। दानिश साहब, पसमांदा समाज का रुख निर्णायक होगा ये तमाम विश्लेषक बता रहे हैं। आप मंत्री हैं, सरकार ने ऐसा क्या कर दिया है पसमांदा समाज के लिए कि आपको लगता है कि पसमांदा समाज बीजेपी के साथ होगा? देखिए, सबसे जरूरी चीज जो पसमांदा समाज के साथ, मुस्लिम समाज के साथ भारतीय जनता पार्टी की हमारी योगी मोदी सरकार ने किया, वो पसमांदा समाज को वोट बैंक के चश्मे से नहीं देखा हमने। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने हमेशा हमारे पसमांदा समाज को बहला के फुसला के उनका वोट तो लिया, लेकिन चुनाव जीतने के बाद, सत्ता में आने के बाद, उसी पसमांदा समाज को दरकिनार करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। लेकिन इसके ठीक उलट हमारी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, केंद्र की मोदी सरकार ने पसमांदा समाज के डेवलपमेंट के लिए ग्राउंड लेवल पर ईमानदारी से काम किया। चाहे मऊ, जिस मऊ घोसी उपचुनाव में हम बैठे हैं, इस मऊ में बुनकर भाइयों के बिजली बिल के फ्लैट रेट करने को काम की बात हो, अभी रमजान के मौके पे हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने पसमांदा बुनकर समाज के लिए जो उनका बिजली बिल है उसको फ्लैट रेट करने का काम किया। इसी मऊ में गाजीपुर तिराहे में 22 करोड़ की लागत से अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ITI और पॉलिटेक्निक डिग्री कॉलेज बना रहा है। इस मऊ के डेवलपमेंट के लिए, पसमांदा समाज के डेवलपमेंट के लिए पूरे उत्तर प्रदेश और देश में जो भी चीज जरूरी है उसको हमारी सरकार उस पे काम कर रही है। हमने सही, साफ, सच्चे इरादे के साथ पसमांदा समाज के डेवलपमेंट की बात ना केवल कही बल्कि धरातल पे उसको पूरा करने के लिए काम भी कर रहे हैं। आज पहली बार देश के प्रधानमंत्री ने खुले मंच और खुले मन से पसमांदा उत्थान की बात कही है, ऐसा पहला कभी नहीं हुआ। आज पसमांदा समाज को हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे पूरा भरोसा है और घोसी उपचुनाव में आप देखिएगा खुल के पसमांदा समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ आएगा। समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, मैनपुरी उपचुनाव के बाद ये पहला चुनाव है जिसमें वो सक्रिय हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम भी पसमांदा तक पहुंचेंगे, हम भी पसमांदा समाज के भलाई के लिए काम करेंगे, बीजेपी की सच्चाई बताएंगे। तो समाजवादी पार्टी भी पसमांदा समाज के पास जाने की बात कह रही है? वो भी बात कह रही है, जब उनकी सत्ता थी तब क्यों नहीं गए? जब भाई उनके हाथ में सत्ता थी तो पसमांदा समाज की को नजरअंदाज करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। आज एक पसमांदा समाज के नौजवान को भारतीय जनता पार्टी ने, योगी और मोदी सरकार ने एक मंत्री बनाया। पसमांदा समाज के जो सदस्य हैं वो अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन हैं, मदरसा बोर्ड के चेयरमैन पसमांदा समाज के हैं, उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी के चेयरमैन पसमांदा समाज के हैं। तो पसमांदा समाज भी अब जान गया है कि कौन उनको बरगलाने का काम करता था, किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने पसमांदा समाज का इस्तेमाल अपनी निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए किया और किस तरीके से पूरी ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी की, हमारी डबल इंजन की मोदी और योगी सरकार पसमांदा समाज के डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है। जो एक राजनीतिक समझ है लोगों की, जो बनाई गई है या बन गई है कि मुस्लिम कभी बीजेपी को वोट दे ही नहीं सकता, और आप ठीक इसके उलट कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज के लोग बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं, पसमांदा समाज के लोग बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं, तो किस आधार पर आप कह रहे हैं ये? ये मैं नहीं कह रहा, कोई चुनावी वादे या कोई भाषणबाजी नहीं है, मैं आंकड़ों पे बात कर रहा हूँ। अभी आजमगढ़ का लोकसभा उपचुनाव हुआ, रामपुर का लोकसभा उपचुनाव हुआ, रामपुर का विधानसभा उपचुनाव हुआ, स्वार का विधानसभा उपचुनाव हुआ, गोला का विधानसभा उपचुनाव हुआ, इन तमाम जगह मुस्लिम पसमांदा आबादी 50% से ज्यादा है और वहां भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत गया है। बिना पसमांदा समाज के वोट के वहां पे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कतई नहीं जीतता। अगर वहां भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीता है इसका साफ मतलब है कि पसमांदा मुस्लिम समाज ने आगे बढ़ के भारतीय जनता पार्टी को गले लगाने का काम किया है, क्योंकि आज हमारे मोदी जी और योगी जी के रूप में उनको एक ऐसा नेता मिल रहा है जो चुनाव के दृष्टि से या वोट बैंक की दृष्टि से हमें नहीं देखता, जो पसमांदा मुस्लिम समाज का इस्तेमाल करना नहीं जानता, हमारी तालीम के लिए, शिक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, उद्योग के लिए, हमारी उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, भाईचारे के लिए, इस मसले पे हमारी सरकार काम कर रही है। और
आज पसमांदा समाज डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ रहा है। ये सकारात्मक बदलाव हमारे सरकार की सकारात्मक नीतियों की वजह से है और ये पसमांदा समाज महसूस कर रहा है, इसीलिए घोसी उपचुनाव में पसमांदाओं का हाथ भाजपा के साथ। चलिए, तो इसी उपचुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी की हो रही है तो वो है पसमांदा मुसलमान। करीब 85,000 मुस्लिम वोटर्स हैं घोसी में और उसका करीब 70% पसमांदा समाज से आते हैं। पसमांदा समाज यानी मुस्लिम समाज का वो वर्ग, वो समुदाय जो अरसे से मुख्य धारा से कटा हुआ है। तो हम पहुंचे हैं पसमांदा समाज के बीच। आकिब भाई, ये जो चुनाव है इससे कोई सियासी सेहत बिगड़ने बनने वाली नहीं है, सरकार पर कोई आंच नहीं आने वाला है, लेकिन बावजूद इसकी चर्चा बहुत ज्यादा है, पसमांदा समाज की चर्चा बहुत ज्यादा है, क्या सोच रहा है पसमांदा समाज इस उपचुनाव को लेकर? चूंकि ये इलाका ही पसमांदाओं का है, ये बुनकर क्षेत्र ज्यादा है, किसान और बुनकर ही तबका यहाँ आपको मिलेगा, मजदूर तबके के लोग ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे पसमांदा समाज जो है वो अपनी परेशानियों को ऊंचाई तक नहीं पहुंचा पाता। जैसे अधिकारियों के सामने उनको पेश होना पड़े तो नहीं, क्योंकि वो जो अपने काम को जब करते हैं ना तो वो अपने एक सीमित दायरे में रह के कर पाते हैं। जैसे वो उनका एक कमरा है तो उसमें एक लूम गड़ा है तो वो सिर्फ लूम चलाते हैं, उसके बाद जो बन के रेडी होता है वो सामान उठा के वो अपने बस अपने महाजन के पास ले मऊ पहुंचाते हैं, जो कि 20 किलोमीटर दूरी के रेंज में होता है। ठीक है, उनको लेके वहां पहुंचाना, असेंबल करके लेके वहां पहुंचाना होता है साड़ी को, चाहे कोई भी कपड़े को बुनते हैं, तो फिर वहां से वो पैसा पाते हैं, फिर लेके आते हैं और ला करके अपने बच्चों के चाहे इलाज में हो, चाहे शादी में हो, चाहे घर के रोजमर्रा के खर्चे में हो, इस तरह की चीजों में वो अपने यूज करते हैं। हमारा ये कहना है कि पसमांदा समाज को सभी चाहते हैं कि हम उनके लिए बहुत कुछ कर लें, लेकिन दिखता कहीं से नहीं है, क्योंकि जो बेस होता है वो पसमांदा के पास बेस जो होता है वो लाइट, बिजली, बिजली ही नहीं तो सब काम ठप। और लोगों से राय ले लेते हैं, क्या है पसमांदा समाज के लोगों की सोच, किधर जा रहे हैं वो? हाँ, बताया जा किधर जा रहे हैं, अब कुछ बता नहीं सकते हम लोग कि कहाँ जाएंगे। हाँ, अरे अब कोई है हाँ, सरकार से तो कोई फायदा ही नहीं पहुंच रहा है हम लोगों को। क्या बोलना जी? मेरा नाम मोहम्मद दानिश अंसारी जी, मैं बुनकर समाज से ताल्लुक रखता हूँ। बुनकरों की बहुत सी समस्या है, लोग चुनाव में आते हैं कि हमें वोट दे दीजिए, हमें वोट दे दीजिए, लेकिन बुनकरों की जो मेन समस्या वो कोई नहीं सुनता है जी। अभी आप देख लीजिए बिजली समस्या, पावर लूम पीछे 400 रुपया प्रति लूम पीछे हो गया है। अब इसमें जिसको जिसके पास जो लूम है घर का वो उससे मतलब पेट पालता है, अब वो 800 लूम देगा, उस पर से क्या बोलते हैं घर का बिजली का कनेक्शन अलग से कर रहे हैं बत्ती का, अब वो 1000 वो देगा कि बत्ती का कनेक्शन अलग देगा, क्या करेगा वो कि घर का पेट पालेगा? अब यही जो आएगा क्या बोलते हैं हमको वोट दे दीजिए, वोट लीजिए लेकिन हमारी समस्या सुनिए। चाचा जी ये बताइए, इस्लाम में न तो जाति है न तो कोई समुदाय है, पसमांदा मतलब ही है जो मुख्य धारा से कटा हुआ है, मुख्य धारा से नहीं जो कुचला दबा कुचला है, जो दबा कुचला है। तो इस उपचुनाव में घोसी का जो पसमांदा समाज है जब वो वोट देगा तो उसके दिमाग में क्या रहेगा? उसके दिमाग में क्या, उसके दिमाग सबसे पहले रोटी रहेगी, उसके दिमाग में रोटी, फिर रोजी, फिर कपड़ा, फिर मकान। तो इस हुकूमत में, हुकूमत ने तो बहुत चलाई इसकी, लेकिन सही है कि पसमांदा उससे कोई फायदा नहीं उठा सके। क्या लगता है पसमांदा समाज क्या सोच रहा है उपचुनाव को लेके? चुनाव सोच क्या रहा है, वो तो इलेक्शनी माहौल है और वो अपना वोट अपने सोच विचार से ही देगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि अब इसमें पसमांदा समाज को कुछ कोई सेवा नहीं मिल पा रही है, सरकारी कोई सुविधा मिल ही नहीं पा रही। अब हम ही को देख लीजिए, हम मजदूर आदमी ठेला से सिलेंडर पहुंचाते हैं, चार बच्चों को पालना है, उनकी पढ़ाई है, लिखाई है, घर का खर्च है, बिजली किराया है, ये सब देना है। अब एक रोज हम 500 रुपए का काम किए तो अब घर आते आते एक पैसा नहीं बचता, सारे पैसे मार्केटिंग में खत्म हो जाते हैं, तो आगे हम क्या करें? तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे लोगों को ऐसी सुविधा दे कि जो वो अपनी मेहनत को बचा करके और कोई ऐसी सुविधा कर दे, इंजन की गाड़ी मिले उसको, ताकि वो अपना सिलेंडर पहुंचाता रहे, अपनी रोजी रोटी चलाता रहे, मतलब जेब में कुछ पैसा हो। हाँ, आप तो युवा हैं बिल्कुल, किस क्लास में पढ़ते हैं?
मेरे 12वीं साल पढ़ो। तो पढ़ाई लिखाई से संतुष्ट हैं? जी चल रही, पढ़ाई लिखाई चली रही है। और बेरोजगारी और महंगाई बहुत ज्यादा है इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में, महंगाई बहुत ज्यादा है। तो रोजगार की चिंता है? जी सबको चिंता है, हर आदमी यही चाहता है कि रोजगार हमें मिले, मैं अपने घर को चला सकूं। चलिए ये बहुत इन्होंने बढ़िया बात कही कि रोटी रोजी ध्यान में रखकर वोट होगा। जो 5 तारीख को वोट होना है, पासमांदा समाज क्या सोचकर वोट करेगा? पासमांदा समाज तो नहीं होना चाहिए, कोई पासमांदा समाज नहीं होता है। पासमांदा वो होता है जो दबा हो, गरीब हो, उनके पास असासे न हो, वो पसमांदा है। आखिरी आपसे कमेंट चाहते हैं चाचा जी, हम देख रहे हैं घोसी में तमाम जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो भी बीजेपी के लीडर्स के साथ घूम रहे हैं, तो ये जो परसेप्शन बना हुआ है कि मुसलमान बीजेपी को वोट देता ही नहीं है, घोसी में तो हम बदला हुआ बिल्कुल माहौल देख रहे हैं। बीजेपी ने कभी जोड़ा ही नहीं, वो नेता तो आते हैं ठीक है, मुसलमान जुड़े हैं ठीक है, मिसाल के तौर पर आप हमारे वहाँ आए हैं, अगर आप हमारे वहाँ नहीं आते तो हम आपके वहाँ कहाँ जाते, आपसे कैसे मुलाकात होती, आप हमारे वहाँ आइए तब ना हम जुड़ेंगे। अब घोसी के उपचुनाव में बीजेपी इस मिथक को तोड़ना चाहती है कि पासमांदा समाज मुस्लिम समाज बीजेपी की एंटी है, इस परसेप्शन को बीजेपी तोड़ना चाहती है, लिहाजा जो उनके मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के सरकार में, योगी सरकार में दानिश अंसारी, वो लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, उसका असर भी घोसी में दिखाई दे रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ अमित सिंह, न्यूज़ स्टेट, घोसी।